श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 10.2 तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदाजना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदाजना। नरेंद्र आदि के साथ कीर्तनानंद, नरेंद्र का प्रेमालिंगन। तीसरा प्रहर हुआ है, नरेंद्र गाना गा रहे हैं। राखाल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र के ब्रह्ममित्र प्रिय, हाजरा आदि सब है। नरेंद्र ने कीर्तन गाया, मृदंग बजने लगा। चिंतयो मम मान तरिछेद घन निरंजन चिंतयो मम मान तरिछेद घन निरंजन किबा अनुपम भति मोहन मूर्ति किबा ब्रह्म रूपे मरियार द्वितीय नरे केवल भकत रंजन भकत हृदय रंजन चिंतय मम मान घन निरंजन বিজলি চমকে অরূপ আলোকে পুলকে শিহরে জীবন পুলকে শিহরে জীবন চিন্তয় মম মান ঘন নিরঞ্জন তার চরণ দেখো শান্ত মনে প্রেম নয়নে অপরূপ প্রিয় দর্শন চিদানন্দ রসে ভক্তি যোগাবে সে হরে চির মগন হরে চির भावार्थ। अय मन, तू चिदघन हरि का चिंतन कर, उनकी मोहनी मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है। वह श्री हरि भक्तों का हृदय धन, उसकी सौंदर्य सुषमा कोटि विधि चंद्रमाओं को लज्जित करेगी। उसके लावण्य दर्शन से प्राण पुलकित हो जाते हैं। हृत कमलासन में उसके चरणों का चिंतन कर, शांतिपूर्ण मन से तथा प्रेम नेत्रों से उस अपरूप प्रिय दर्शन का दर्शन कर, व्यक्ति भक्ति के आवेग से उस चिदानंद रस में
चिर निमग्न हो जा। नरेंद्र ने फिर गाया, भावार्थ सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है, जिसे नित्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब आएगा, हे प्रभु मुझ दीन के भाग्य में यह कब होगा। हे नाथ कब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में विराजोगे और हमारा चंचल मन निर्वाक होकर तुम्हारी शरण लेगा। कब अविनाशी आनंद के रूप में तुम हृदयाकाश में उदित होगे। चंद्रमा के उदय होने पर चकोर जैसे उल्लासित होता है, वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने पर मस्त हो जाएंगे। तुम शांत शिव अद्वितीय और राजराज हो, हे प्राण सखा तुम्हारे चरणों में हम बिक जाएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अधिकार और ऐसा जीते जी स्वर्ग भोग हमें और कहाँ मिलेगा। तुम्हारा शुद्ध और अपाप विद्ध रूप हम देखेंगे, जिस तरह प्रकाश को देखकर अंधेरा जल्द भाग जाता है, उसी तरह तुम्हारे प्रकट होने से पाप रूपी अंधकार भाग जाएगा। तुम ध्रुव तारा हो, हे दीन बंधो हमारे हृदय में ज्वलंत विश्वास का संचार कर मन की आशाएं पूरी कर दो। तुम्हें प्राप्त कर हम अहर्निश प्रेमानंद में डूबे रहेंगे और अपने आप को भूल जाएंगे। वह दिन कब आएगा प्रभु। अगले गीत का भावार्थ, आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो, नाम से सुधा का सिंधु उमड़ आएगा। उसे लगातार पीते रहो, आप पीते रहो और दूसरों को पिलाते रहो। विषय रूपी मृगजाल में पड़कर यदि कभी हृदय शुष्क हो जाए तो नाम गान करना, प्रेम से हृदय सरस हो उठेगा। देखना वह महामंत्र नहीं भूलना, संकट के समय उसे दयालु पिता कहकर पुकारना। हुंकार से पाप का बंधन तोड़ डालो, जय ब्रह्म कहकर आओ सब मिलकर ब्रह्मानंद में मस्त हुए और सब कामनाओं को मिटा दें, प्रेम योग के योगी बने। मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। नरेंद्र आदि भक्त श्री राम कृष्ण को घेर कर कीर्तन कर रहे हैं, कभी गाते हैं, प्रेमानंद रस में चिरदिन के लिए मग्न हो जा, फिर कभी गाते हैं, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री रामकृष्ण के साथ गाने लगे। आनंद में मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और कहा, आहा आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया। आज श्री रामकृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है। रात के 8 बजे होंगे तो भी प्रेमोन्मत होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। बीच बीच में जगन माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। एकाएक उन्मत्त की भांति बोल उठे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही है, माया उसका क्या बिगाड़ सकती है। नरेंद्र प्रिय और मास्टर रात को रहेंगे, नरेंद्र रहेंगे बस, श्री रामकृष्ण फूले नहीं समाते। रात का भोजन तैयार हुआ,
श्री माता जी नौबत खाने में हैं। आपने अपने भक्तों के लिए रोटी दाल आदि बनाकर भेज दिया है। भक्त लोग बीच बीच में रहा करते हैं। सुरेंद्र प्रतिमास कुछ खर्च देते हैं। कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं। पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेंद्र आदि बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र, आजकल के लड़कों को कैसा देख रहे हैं? मास्टर, बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। नरेंद्र, मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ रहे हैं। चुरूट पीना, ठट्टेबाजी, ठाट बाट, स्कूल से भागना, ये सब हरदम होते देखे जाते हैं। यहां तक कि खराब जगहों में भी जाया करते हैं। मास्टर, जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा न देखा न सुना। नरेंद्र, शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं थे। मैंने यह भी देखा कि खराब लोग उन्हें नाम से पुकारते हैं। कब उनसे मिले हैं कौन जाने। मास्टर, क्या आश्चर्य की बात। नरेंद्र, मैं जानता हूं कि बहुतों का चरित्र बिगड़ गया। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दें तो अच्छा हो। इस तरह की बातें हो रही थी कि श्री रामकृष्ण कोठरी के भीतर से उनके पास आए और हंसते हुए कहते हैं, भला तुम्हारी क्या बातचीत हो रही। नरेंद्र ने कहा, इनसे स्कूल की चर्चा हो रही थी, लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तक उन बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव से कहते हैं, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़, दूसरी बातें अच्छी नहीं। तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित न था। उस समय नरेंद्र की उम्र 19-20 रही होगी, मास्टर की 27-28। मास्टर लज्जित हुए, नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। श्री रामकृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनंद हुआ है। भोजन के बाद नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बैठे विश्राम कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण से बातें कर रहे हैं। आनंद का मेला सा लग गया है। बातों बातों में श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ है, जरा इस गाने को तो गा। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। साथ ही अन्य भक्त मृदंग और करताल बजाने लगे। करे भक्त ग्रहदा
नदी के झाल माल करे भक्त भक्त संगे भक्त सखा लीला रस माय रे भक्त संगे भक्त सखा लीला रस माय रे जीदा कसे होल पूर्ण प्रेम चंद्र दाय टूटे ताहे मंद मंद लीला रस प्रेम गंध टूटे ताहे मंद मंद लीला रस प्रेम गंध तारी घने जोगी वृंद जोगानंदे मत हे तारी घने जोगी वृंद जोगानंदे मत हे चिदाकाशे होल पूर्ण प्रेम चंद्र दाय सिंधु जले विधान कमले ताहे मायानंद मोई विराजे भव सिंधु जले विधान कमले ताहे मायानंद मोई विराजे आवेश आकुल भक्त ललितुल पिए सुधा माझे हे आवेशे आकुल भक्त ललितुल पिए सुधा तार माझे हे चिदाकाशे होल पूर्ण प्रेम चंद्र दाय हे रूप मरी मरी जुड़ाइल प्राण ताए हेरी रूप मरी मरी जुड़ाइल प्राण ताए हेरी प्रेम दास बोले सबे पाए धरी गाओ भाई मायर जय हे प्रेम दासे बोले सबे पाए धरी गाओ भाई मायर जय हे चिदाकाशे होल पूर्ण प्रेम चंद्र दाय हे उथलिल प्रेम सिंधु कियानन उथलिल प्रेम सिंधु की आनंद माय हे चिदाकाशे होल पूर्ण प्रेम चंद्र दाय हे चिदाकाशे होल पूर्ण प्रेम चंद्र दाय हे। गीत का आशय इस प्रकार था। चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, क्या ही आनंद पूर्ण प्रेम सिंधु उमड़ आया। जय दया में, जय दया में, जय दया में। चारों ओर
भक्त रूपी ग्रह जगमगाते हैं। भक्त सखा भगवान भक्तों के संग लीला रसमय हो रहे हैं। जय दयामय, स्वर्ग का द्वार खोल, आनंद का तूफान उठाते हुए नवविधान रूपी वसंत समीर चल रहा है। उससे लीला रस और प्रेम गंध वाले कितने ही फूल खिल जाते हैं, जिनकी महक से योगी वृंद योगानंद में मतवाले हो जाते हैं। जय दयामय, संसार हृदय के जल पर नवविधान रूपी कमल में आनंदमयी माँ विराजती हैं और भावावेश से आकुल भक्त रूपी भौरे उसमें सुधा पान कर रहे हैं। वह देखो माता का प्रसन्न बदन, जिसे देखकर चित्त खिल उठता है और जगत मुक्त हो जाता है। और देखो माँ के श्री चरणों के पास साधुओं का समूह, वे मस्त होकर नाच गा रहे हैं। आहा कैसा अनुपम रूप, जिसे देखकर प्राण शीतल हो गए। प्रेमदास सबके चरण पकड़कर कहता है कि भाई सब मिलकर माँ की जय गाओ। कीर्तन करते करते श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं, भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण उत्तर पूर्व वाले बरामदे में टहल रहे हैं। श्री उथाजरा उसी के उत्तर भाग में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण जाकर वहां बैठे, मास्टर भी वहां बैठे और हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न देखते हो? भक्त, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है। यह जगत जलमय हो गया है, अनंत जल राशि, कुछ एक नावें तैर रही थी, एकाएक बाढ़ से डूब गई। मैं और कुछ और आदमी एक जहाज पर चढ़े हैं कि इतने में उस अकुल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहां कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूं। मैंने कहा, जरा ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रामकृष्ण, यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। भक्त, ब्राह्मण ने कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं है, तुम्हें उतरने में देर लगेगी, अब मैं चलता हूं, यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना। श्री रामकृष्ण, मुझे रोमांच हो रहा है, तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। रात के 11 बज गए हैं। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गए। राम कृष्ण शरणम शरण्ये, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम।